बदकिस्मती से जब किसी का मोबाइल चोरी होता है या छिनता है तो उसके वापस मिलने की उम्मीद ना के बराबर होती है, फिर चाहे आप उसे खुद ढूंढने की कोशिश करें या फिर पुलिस की मदद लें। वैसे तो मोबाइल फोन में सिम कार्ड के अलावा एक अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है, जिसे IMEI या फिर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहा जाता है, जिससे मोबाइल की पहचान हो सकती है और सिम कार्ड बदले जाने के बाद भी उसे ढूंढा जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर मोबाइल नहीं मिल पाते, तो आज की वीडियो में हम इसके पीछे की वजह जानेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। मोबाइल से सिम कार्ड या फिर मोबाइल नंबर तो बदला जा सकता है, लेकिन IMEI नंबर फिक्स्ड होता है। इसीलिए सिम कार्ड बदले जाने के बावजूद भी मोबाइल को उसके IMEI नंबर से ट्रैक किया जा सकता है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि असल में मोबाइल का IMEI नंबर बदलना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम लोग मानते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि चोरों के लिए ये काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि मोबाइल चोर गिरोह में कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, और चोरी किए मोबाइल का IMEI नंबर बदलना उनका सबसे पहला काम होता है, जो उनके लिए कुछ मिनटों का खेल है। सिम निकालने के बाद IMEI नंबर ही मोबाइल की एकमात्र पहचान होती है, और जब इस नंबर को ही चेंज कर दिया जाता है तब इसे खोजना या ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मोबाइल से पुराना IMEI नंबर निकालना तो चलिए आसान हो सकता है, लेकिन मोबाइल में डालने के लिए नया IMEI नंबर उन चोरों के पास कहां से आता है? तो IMEI के बारे में यहां ये बात जानने वाली है कि IMEI नंबर मोबाइल नंबर की तरह इतना रेगुलेटेड नहीं है कि एक नंबर सिर्फ एक ही जगह पर इस्तेमाल किया जाए, जिस कारण पुराना IMEI नंबर निकालने के बाद चोरी के मोबाइल में कोई भी रैंडम नंबर या फिर किसी और मोबाइल का IMEI नंबर डाल दिया जाता है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट से ये बात साबित भी होती है, जहां रिसर्च में ये पाया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक IMEI नंबर को यूज करके कई डिवाइस चल रहे हैं। अब ओरिजिनली तो वो IMEI नंबर एक ही मोबाइल का है, और जो बाकी डिवाइसेस होंगे उनमें ये बाद में डाला गया होगा, और ऐसा करने के पीछे की वजह लगभग क्लियर है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा IMEI रजिस्ट्रेशन का एक नया सिस्टम भी चालू किया गया है, जिसमें भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल के IMEI को सरकार के ICDR पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा, जिससे अथॉरिटीज को पता हो कि भारत में कौन कौन से IMEI नंबर के मोबाइल बिके हैं और ओरिजिनली एक IMEI नंबर किस डिवाइस के साथ आया है, ताकि सेम नंबर किसी दूसरे डिवाइस में होने पर उसे ब्लॉक किया जा सके। साथ ही मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने या बदलने पर 3 साल की सजा और जुर्माने की प्रोविजन भी है। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद चोरी हुए मोबाइल को बिकने और IMEI नंबर के होने वाले गलत इस्तेमाल को रोकना है। सरकार के इन कदमों से चोरी के मोबाइल रीसेल होने पर तो रोक लग सकती है, लेकिन इससे मोबाइल की होने वाली चोरी रुक सकेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरा मोबाइल नहीं तो चोरी हुए मोबाइल को डिसअसेंबल करके उसके पार्ट मार्केट में बिकते रहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि चोरी हुए मोबाइल को ज्यादातर पुलिस भी क्यों नहीं ढूंढ पाती। ऐसा नहीं है कि पुलिस चोरी हुआ एक भी मोबाइल नहीं ढूंढ पाती, लेकिन जितने मोबाइल चोरी होते हैं उससे आधे भी दोबारा नहीं मिल पाते। इसीलिए भीड़भाड़ या पब्लिक प्लेसेस पर अपने मोबाइल के प्रति थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि जितने मोबाइल चोरी होते हैं उससे आधे भी दोबारा नहीं मिल पाते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करके फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।